नमस्कार। आज अपन बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर ऊपर बात करेंगे। आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। कोर्ट में जब भी कोई गवाही दी जाती है तो गीता के ऊपर हाथ रखकर गवाही दी जाती है। आखिर गीता को ही क्यों चुना गया कोर्ट में गवाही के लिए? रामायण को क्यों नहीं चुना गया, या और किसी दूसरे ग्रंथ को क्यों नहीं चुना गया? सब लोग जाते हैं, गवाही देके आ जाते हैं, गीता पर हाथ रख के देके आ जाते हैं, लेकिन सब कभी ये नहीं सोचते कि गीता को ही क्यों चुना। भगवान श्री राम ने भी एक आदर्श जीवन जिया और जीवन में कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सत्य की राह पर चले। जबकि श्री कृष्ण महाभारत में युद्ध विजय की प्राप्ति के लिए न जाने क्या क्या किया, फिर भी गीता की कसम दिलाई जाती है कोर्ट में, रामायण की नहीं। आखिर ऐसा क्यों किया गया? गीता को ही कोर्ट में गवाही के लिए क्यों चुना गया, रामायण को क्यों नहीं चुना गया? आज इस इंटरेस्टिंग सवाल का जवाब अपन ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अपन जानेंगे कि यह परंपरा कब शुरू हुई और किसने शुरू की। देखिए, यह परंपरा मुगल शासकों ने शुरू की। जब भारत में मुगल शासकों का राज आया, मुगल जब भारत में आए तो मुगल इंडिया को लूटना चाहते थे। उनका यह मकसद था कि इंडिया पर राज करना और इंडिया को पूरी तरह से नष्ट नाबूद करना और यहाँ का सारा पैसा निकाल के और अपने देश में ले जाना। और उनका एक मकसद ये भी था कि जितना हो सके यहाँ के धार्मिक जितने भी भवन हैं, जितने भी मंदिर हैं, उनको नष्ट नाबूद करना और इस्लाम की स्थापना करना इनका, और लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट करना मुगल शासकों का यही काम था, और पूरी तरह से भारत को एक कंगाल के रास्ते पर ले जाना ये मुगल शासकों का काम था। जब मुगल शासक भारत आए तो इनका ये हमेशा छल कपट करते थे, तो ये खुद छल कपट करते थे, तो इनको खुद को विश्वास नहीं रहता था कि यार अगर अपन भारत के लोगों से, अगर ये अपन से झूठ बोलेंगे तो अपन क्या करेंगे। तो फिर इनके एक दिमाग में एक विचार आया कि यार अपन ऐसा करते हैं, भारत के लोग उस वक्त धर्म को बहुत मानते थे, कि यार भारत के लोग धर्म को बहुत मानते थे, तो उस वक्त मुगल शासकों ने गीता को लोगों को कसम दिलानी शुरू कर दी। अब यह जब कसम दिलाई तो लोग उस वक्त धर्म के प्रति अटूट थे, तो झूठ नहीं बोलते थे, तो उस वक्त यह परंपरा मुगल शासकों ने शुरू की। अब देखेंगे कि कोर्ट में धार्मिक पुस्तक हाथ में लेने का नियम कब बना। चलो वो तो ठीक है, मुगल शासक आए थे और मुगल शासकों ने ये परंपरा शुरू की थी, लेकिन क्या कोर्ट में भी ये नियम कब से चालू हो गया और क्यों किया? जब वो तो मुगल शासक थे, उन्होंने आए और चले गए, और उनको तो ये परंपरा चालू करनी थी अपने छल कपट के लिए, उसके बाद में ये परंपरा चालू क्यों की और किसने की? देखिए, बाद में यह परंपरा जब मुगल आए तब यह परंपरा मुगलों ने स्टार्ट की, इसके बाद में अंग्रेज भारत में आए, तो अंग्रेजों ने भी देखा कि यार भारत के लोग एक गीता नाम का ग्रंथ है उसके ऊपर हाथ रख के अगर कसम खाते हैं तो वो झूठ नहीं बोलते। फिर अंग्रेज भी भारत में लूटने के लिए आए थे, वो भी अपने देश पर कब्जा जमाने के लिए आए थे, वो भी चाहते थे कि देश को बर्बाद कर दें और देश की सारी संपत्ति ले जाकर अपने देश में ले जाएं, उनका भी यही मकसद था। तो वो खुद भी छल कपट करते थे, तो उनका भी ये आशय था कि भारत के लोग किसी भी तरह उनसे झूठ नहीं बोले, तो वो भी चाहते थे कि यार अपन ऐसा कोई नियम बना दें। तो इन्होंने, अंग्रेज शासकों ने क्या किया, 1873 में, 1873 अंग्रेजों ने एक ओथ्स एक्ट पास किया। 1873 में अंग्रेजों ने एक ओथ्स एक्ट पास किया, इसमें सभी धर्मों के लिए अलग अलग एक पुस्तक चुनी गई कसम खाने के लिए। देखिए, हिंदू के लिए गीता, मुस्लिम के लिए कुरान, ईसाई के लिए बाइबल, सब धर्मों के लिए अलग अलग बुक कर दी। तो क्या कि सब धर्म कोई भी जब कोर्ट में जाएगा या उनके सामने अगर गीता के या कोई कुरान या कोई भी बाइबिल पे कसम खाएगा ना, तो झूठ नहीं बोलेगा। इन्होंने ये एक्ट पास कर दिया। फिर उसके बाद में क्या अभी भी कोर्ट में गीता की कसम दिलाई जाती है? यह रूल्स, यह एक्ट कब खत्म किया? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब गीता की कसम कोर्ट में नहीं दिलाई जाती है, अब सिर्फ एक सामान्य, एक नॉर्मल शपथ दिलाई जाती है। यह नियम कब हटा? देखिए आप, 1969 जब भारत देश आजाद हुआ
तब उसके बाद में 1969 को एक नया ओथ एक्ट पास किया गया। इसमें सबके लिए समान शपथ लागू हुई, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, सबके लिए एक समान ओथ शपथ लागू की गई। और उनके लिए किसी तरह के बुक पर हाथ नहीं रखना था, किसी तरह का धर्म ग्रंथ पर हाथ नहीं रखना था, सिर्फ सिंपल एक ओथ अभी दी जाती है कोर्ट में। देखिए वो कौन सी है, ये देखिए। मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूं, ईमानदारी से पुष्टि करता हूं कि मैं जो कहूंगा सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। यह सिंपल शपथ अभी वर्तमान में कोर्ट में दिलाई जाती है। अब वह सारी पुरानी प्रथा बंद कर चुकी है। न तो आपको गीता पे हाथ रखना है अगर आप हिंदू हो, न आप अगर आप मुस्लिम हो तो न आपको कुरान पर हाथ रखना है, और अगर आप ईसाई हो तो न ही आपको बाइबल पर हाथ रखना है। ये सारी जो पुरानी कस्में थी वो सारी अब बंद हो चुकी है। अब अपन देखेंगे गवाही से पहले शपथ क्यों, आखिर जब कोर्ट में गवाही होती ना उससे पहले शपथ क्यों दिलाई जाती। वैसे ही कोर्ट में गवाही दे दे नहीं, इस ये शपथ बहुत ही जरूरी होती है। देखिए क्यों है। आईपीसी सेक्शन 193, आईपीसी के इंडियन पेनल कोड में 193 का सेक्शन है। अगर आप कोर्ट में कोई झूठा शपथ पत्र पेश करते हो, अगर आप कोर्ट में झूठी गवाही देते हो, तो आईपीसी 93 के तहत आपको 7 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। इसीलिए कोर्ट में शपथ दिलाई जाती है। यूं तो हर कोई कोर्ट में आकर झूठी गवाही दे सकता है, कोर्ट का समय बर्बाद कर सकता है, कोर्ट को गुमराह कर सकता है, इसलिए कोर्ट ने एक शपथ का नियम चालू किया है। आप कोर्ट में कोई झूठा शपथ पत्र पेश नहीं कर सकते हो, आप कोर्ट में कोई झूठी गवाही नहीं दे सकते हो। अब अपन आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, अपना मेन क्वेश्चन कि आखिर गीता की ही कसम क्यों, रामायण की क्यों नहीं, गीता की शपथ ही क्यों, रामायण की क्यों नहीं। पुराने जमानों में अंग्रेजों ने, और गीता की ही कसम क्यों दिलाई, रामायण की क्यों नहीं। देखिए आप, रामायण में भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन है। रामायण आप सबने देखी होगी, रामायण में भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन किया गया है। अब आते हैं अपन गीता पर। गीता में किसी के जीवन का वर्णन नहीं किया गया। गीता में क्या कहा गया, गीता में यह कहा गया कि जीवन कैसे जिया जाए, जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन बताया गया है। यही अंतर है रामायण और महाभारत में। गीता में किसी देवता के बारे में नहीं बताया गया है, गीता में पूरी मनुष्य जाति के बारे में बताया गया, पूरे विश्व के मनुष्य जाति के बारे में बताया गया कि आपको जीवन कैसे जीना है, आपको मुश्किलों से कैसे बाहर निकलना है, आपको कैसे जीवन में आगे बढ़ना है, इसके बारे में बताया गया है। इसमें किसी एक धर्म के लिए नहीं बताया गया है। सबसे बड़ी पॉइंट की बात देखना आप, इतिहासकार और अभी के जितने भी विद्वान हुए हैं वो कहते हैं कि विश्व की अगर कोई सबसे बड़ी धर्म ग्रंथ मानी जाती तो वो गीता सबसे ऊपर आती। गीता क्यों आती है पता है आपको, गीता में किसी एक धर्म के बारे में नहीं बताया गया। गीता में अगर गीता आप पढ़ोगे ना तो गीता के बारे में कभी हिंदू धर्म के बारे में नहीं बताया गया है। हिंदू धर्म का कहीं भी गीता में नाम नहीं आया है, सिर्फ पूरे विश्व के मनुष्य जाति के बारे में बताया गया। आप कुरान खोल कर देख लेना उसमें इस्लाम धर्म के बारे में बताया, आप बाइबिल खोल कर देख लेना उसमें ईसाई धर्म के बारे में बताया, आप कोई सा एक ग्रंथ उठाकर देख लेना उसमें उस धर्म के बारे में बताया गया। लेकिन गीता ही एक ऐसी मात्र पुस्तक है, ऐसा ही ज्ञान है जिसके किसी धर्म के बारे में नहीं बताया गया। इसीलिए यह गीता पूरे विश्व में लोकप्रिय है। हर इंसान इस गीता की बातों को अपनाता है, इनके आदर्शों पर जीना सीखता है, ऐसा गीता में बताया गया है। गीता जीवन जीने की कला बताती है। आप जो गीता पढ़ते हो ना तो गीता क्या कहती है, गीता जीवन जीने की कला बताती है कि आपको कैसे जीवन जीना है, आपको कैसे कठिनाइयों से पार पाना है, अगर आप चिंता में होते हो तो आपको उस चिंता से कैसे निकलना है, आप किसी परेशानी में हो तो उस परेशानी से कैसे निकलना है, इसके बारे में गीता में बताया गया है। गीता में समस्याओं से कैसे निकले उसके बारे में बताया गया। अगर आप किसी मुसीबत में हो, आप किसी संकट में हो अगर, तो आप गीता पढ़ लें,
आपका एक बार आपका दिमाग शांत हो जाएगा और आप बिल्कुल माइंड फ्रेश हो जाएगा और आपको लगेगा कि इससे कैसे निकले, इस समस्याओं से कैसे निकले, वो गीता में बताया गया। खुश कैसे रहें, गीता में बताया गया। गीता में बताया गया कि मनुष्य जाति को खुश कैसे रहना चाहिए। आज मनुष्य तरह तरह की चिंताओं से ग्रस्त रहता है, तरह तरह के परेशानियों से ग्रस्त रहता है। आप ये गीता पढ़िए, इसमें बताया गया है कि जीवन, हर इंसान को जीवन में खुश कैसे रहना चाहिए, इसके बारे में गीता में बताया गया है। सफलता कैसे पाएं जीवन में, जीवन में सफलता कैसे पाएं, वह भी गीता में बताया गया। आपको पता है बड़ी बड़ी मैनेजमेंट यूनिवर्सिटीज, आप ऑक्सफोर्ड, लंदन की ऑक्सफोर्ड देख लीजिए, अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी देख लीजिए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी गीता के मैनेजमेंट कोर्स कराए जाते हैं। यू कैन बिलीव इट, गीता अपने हिंदुस्तान में ही नहीं पढ़ाई जाती है, गीता पूरे विश्व में पढ़ाई जाती है। और जितने भी मैनेजमेंट स्टूडेंट है ना, उनको गीता पढ़ाई जाती है, उनके कोर्स कराए जाते हैं। क्यों? क्योंकि गीता स्ट्रेस से निकलने की मदद करती है, गीता आपको परेशानी से बाहर निकलने में मदद करती है, गीता आपको सफलता कैसे पाए जीवन में उसके बारे में बताती है। इसीलिए तो गीता पूरे विश्व में लोकप्रिय है, गीता के समान कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। इसमें किसी, हाँ सबसे बड़ी बात देखिए, इसमें किसी देवता के बारे में नहीं बताया है, इसमें किसी धर्म के बारे में नहीं बताया है, इसमें किसी कर्म कांड के बारे में नहीं बताया है, इसमें किसी देवता के बारे, इसमें भगवान श्री कृष्ण जब गीता कहते हैं ना, तो भगवान कभी ये नहीं कहते कि मेरे को, अगर आप खुश रहना चाहते हो ना तो मेरे को पूजो, मेरे को ये करो, कभी नहीं कहते। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ये कहा कि मनुष्य के क्या करना चाहिए, मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए, मनुष्य को जीवन में कैसे सफलता पानी चाहिए, उसके बारे में बताया गया। किसी धर्म के बारे में, इसमें भगवान श्री कृष्ण किसी धर्म के बारे में नहीं बताते हैं, इसमें पूरे विश्व की मानव जाति के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को नहीं बताते हैं, इसमें सारे धर्म के लोगों के लिए ये बात कहते हैं कि आपको जीवन कैसे जीना है, आपको सफलता कैसे पानी है, और जब भी आपके जीवन में समस्या आए तो उससे कैसे निकलना है, इसमें भगवान श्री कृष्ण ने बताया है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है, इसमें भगवान आपको कोई कर्म कांड करने के लिए नहीं कहते हैं कि आपको ये पूजा करनी चाहिए, आपको ये चढ़ावा चढ़ाना चाहिए, आपको ये चीज करनी चाहिए जिससे भगवान खुश होते हैं। भगवान ने गीता में इसके बारे में नहीं बताया गया है। इन चीजों के कारण यह गीता पूरे विश्व में लोकप्रिय है, और इसी कारण से कोर्ट में गीता की कसम दिलाई जाती है, रामायण की नहीं। तो आज आपने जाना होगा कि कोर्ट में गीता की कसम क्यों दिलाई जाती है, रामायण की क्यों नहीं। मुझे आशा है कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा।